जिलेबी फाफड़ा तैयार हो गया है, देख सकते हैं जिलेबी एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो गया है, एकदम हलवा जैसा है, देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी है, देख सकते हैं पूरा एकदम। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज मम्मी बनाने जा रही हैं जलेबी फाफड़ा, जो आप तारक मेहता में देखते नहीं है जेठालाल को खाते हुए। मैदा ले लिए हैं और एक गिलास पानी ले लिए हैं। अब इसको डाल के इसमें मिक्स कर लेते हैं, एक बेटर बना लेते हैं, गाढ़ा बेटर बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको मिक्स करेंगे, गाढ़ा बेटर बना लेते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे 5 मिनट, इसको गुठली पूरा खत्म हो जाएगा, देख सकते हैं ऐसा। अब बेटर तैयार हो गया है, अब इसको 3-4 घंटा छोड़ देते हैं रेस्ट में। जलेबी के बेटर रेस्ट हो रहा है तब तक लिए हम फफड़ा तैयार कर लेते हैं। उसके आटा बेसन ले लिए 50 ग्राम। अब उसके अंदर डाल देते हैं 1 चुटकी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसके अंदर डालेंगे अजवाइन है ले लिए, इसके क्रश करके ज्यादा डालेंगे। अजवाइन डालने से फाफड़ा बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्ट लगता है खाने में। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, अब मिक्स कर लिए हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथ लेते हैं, इसको सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। ना ज्यादा हार्ड लगाना है ना ज्यादा सॉफ्ट लगाना है, इसको मीडियम लगा लेते हैं सॉफ्ट। अब क्रिस्पी लाने के लिए इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं, ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। ऐसे मिक्स कर लेते हैं, एकदम सॉफ्ट है, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है, मीडियम में है। चपाती बनाते हैं, चपाती के आटा की तरह एकदम मीडियम में है। एक डो तैयार हो गया है, देख सकते हैं डो तैयार हो गया। अब इसको 5 मिनट छोड़ देते हैं रेस्ट में। एक बाल चीनी ले लिए हैं, इसे डाल देते हैं। एक बाल चीनी लिए हैं, एक बाल पानी ले लेते हैं। अब इसको डाल देते, चाशनी बना रहे हैं जलेबी के। चीनी को मेल्ट होने देते हैं, अब इसको चला रहे हैं। चीनी में मेल्ट, चीनी मेल्ट हो गया है, अब इसमें बॉयल आने लगा है। अब इसके अंदर डाल देते हैं इलायची, कुटा हुआ इलायची है। फ्लेवर आने के लिए डाल दिए इलायची 2 चुटकी, इसमें 2 चुटकी इसमें कलर डाल देते हैं। केसर भी डाल सकते हैं, कोई सा भी कलर डाल, ऑरेंज भी डाल सकते हैं। तो अभी हम 1 टीस्पून केवरा वाटर डाल रहे हैं, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन हम डाल रहे हैं। चाशनी में बॉइल आ रहा है, देख सकते हैं। अब इसको एक तरह का चाशनी नहीं बनाना है, इसको चिपचिपा चाशनी बनाएंगे। जलेबी के चाशनी चिपचिपा होता है। तो देखिए इसका कलर कितना मस्त है, और इसमें जो बुलबुले आ रहे हैं वो दिखने में बहुत मस्त लग रहे हैं। और गाइस सुबह से बारिश हो रही है और हमारे घर में जलेबी फाफड़ा बन रहा है, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा। और बारिश में संचेत एंटीना को ठीक कर रहा है। और चाशनी चेक कर लेते हैं चिपचिपा बना है कि नहीं, बन गया है चिपचिपा, एक तार के नहीं बनाना है, एकदम चिपचिपा चाशनी बन के तैयार हो गया है। ढक कर दिए हैं, चाशनी पूरा रेडी हो गया है। इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं, गर्म रहेगा चाशनी। जलेबी के बेटर 4 घंटा हो गया है रेस्ट में रखे हुए, अब तैयार हो गया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, देख सकते हैं इसमें थोड़ा खमीर आ गया है, कम आया है खमीर। इसको ओवरनाइट छोड़ते तब ज़्यादा इसमें खमीर आ जाता। अब खमीर लाने के लिए इसमें डालेंगे इनू डालेंगे, आधा इनू डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। आधा बचा हुआ है, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको अच्छे तरीका से इसको फेंट लेते हैं,
बैटर के अंदर खमीर इसमें आने लगा है, देख सकते हैं। ऐसे करछी चलाने से पूरा खमीर इसमें दिख रहा है। एक पॉलिथीन ले लिए है, पॉलिथीन से भी बना सकते हैं, दूध के थैली से भी बना सकते हैं, पॉलिथीन दूध के थैली की पॉलिथीन से, और कॉटन के कपड़ा से भी बना सकते हैं। और इसको इसमें डाल दिए एक गिलास में, अब इसी के अंदर डालेंगे बैटर। बैटर इसके अंदर डाल दिए हैं, अब इसमें डाल देते हैं, अब गैस जला लेते हैं। एक फैला हुआ बर्तन ले लिए हैं, जलेबी इसमें अच्छा बनेगा। रिफाइन ऑयल, ऑयल गर्म होने के लिए डाल दिए हैं, अब इसको 2 मिनट गर्म होने देते हैं। अब इसके अंदर नीचे से कट लगाएंगे, एक कैंची से कट लगाएंगे, छोटा सा कट लगाना है। कट लगा लिए हैं, ऑयल भी गर्म हो गया है, गर्म हो गया है ऑयल। अब जलेबी बना लेते हैं। देख सकते हैं दूसरी बार फ्राई हो रहा है जलेबी, एकदम खिला खिला बाहर होटल जैसा लग रहा है जलेबी। हलवाई लेखन लग रहा है कि हलवाई हलवाई वाला बन रहा है जलेबी घर में। देखिए गाइस कितना अच्छा बन रहा है जलेबी, अब तैयार होने वाला है, अब हो गया है तैयार। तो अभी हमारा पूरा जलेबी बनके तैयार हो गया है, और ये देखिए एकदम मार्केट जैसा जलेबी लग रहा है। ये देखिए फफरा बना रहे हैं, देख सकते हैं इतना लंबा लंबा फफरा है। अब इसे डाल देते हैं इसमें, उधर फ्राई हो रहा है फफरा, अब इधर फिर तैयारी कर लेते हैं। और बचा हुआ है और तैयार कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको करना है। तैयार हो गया है, अब इसे एक हाथ में लगा है, इसको निकाल लेंगे। इसे मोटा है थोड़ा, तो हाथ से इसे कर सकते हैं। और इधर हम निकाल रहे हैं प्लेट में, हम जलेबी पे ही रख दे रहे हैं। देख सकते हैं पूरा तैयार हो गया है। तो ऐसे ही करके हम सब बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जलेबी फफरा तैयार हो गया है, देख सकते हैं जलेबी एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हो गया है, एकदम हलवा जैसा है, देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी है, देख सकते हैं पूरा एकदम रस भरा है एकदम। अभी हाथ गीला है, इसमें रस भरा है, देख सकते हैं एकदम रस है, रसीलेदार है पूरा, एकदम मार्केट वाला जलेबी है। अब इसको टेस्ट करके दिखा रहे हैं कैसा लग रहा है जलेबी, कैसा है। इधर फाफड़ा है, इधर फाफड़ा ही बनके गुजरात के फेमस है जलेबी, फाफड़ा बनके तैयार हो गया है। तो अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं जलेबी फाफड़ा को, ये गुजरात का एकदम फेमस डिश है,
और आज मेरे साथ भाई नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है और अभी लाइट कट गया है इसलिए आपको थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। और ये रहा जलेबी, चलिए टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। और ये देखिए एकदम मार्केट जैसे, इसके अंदर रस अच्छे तरीके से घुस गया है। ये देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ तो इसके अंदर से रस निकल रहा है, तब इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। गाइस ये बहुत ज्यादा टेस्टी है और इसके अंदर जो है जालीदार भी हो गया है, इसके अंदर जाली भी बना है एकदम मार्केट जैसा। और फाफड़ा की बारी। गाइस ये दोनों चीज बहुत टेस्टी है और मुझे सबसे ज्यादा जलेबी अच्छा लगा, एक क्रंची भी है, एकदम क्रिस्पी है। ये देखिए क्रंचीनेस का आवाज भी आ रहा है। तो अभी इस मैं रेसिपी को एंड करता हूँ, तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।